नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे भैया आपके लिए VSEPR थ्योरी में। आज रक्षाबंधन का दिन है, आप सबको सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद दोस्तों, जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ये नेक काम करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें थोड़ा, तो शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक हम जो आपको अपने चैनल पे दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी। क्या है VSEPR थ्योरी, आगे जरा समझते हैं। भाई आपको जब ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है, शेप प्रेडिक्ट करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, प्रेडिक्ट मतलब आप वैसे तो नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों बन जाएगा या ऐसा ही बनेगा। आप खाली ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ऐसी शेप क्यों बना रहा है, ऐसी ज्योमेट्री क्यों बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करते हैं, समझाते हैं। इसकी एक थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन थी, इसका पहले आपको वीडियो दे चुका हूं। और अब थ्योरी आ गई है VSEPR कॉन्सेप्ट। तो आइए जरा समझते हैं VSEPR कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बच्चों, एटम को मान लो एक फुटबॉल की तरह। अब उस फुटबॉल की तरह मान लिया, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने ये मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे फुटबॉल के आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे आउटर वाले कवर पे इलेक्ट्रॉन है। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास पास हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास होने की वजह से उनमें रिपल्शन भयानक होगा। रिपल्शन जब भयानक होगा तो अनस्टेबल कर देंगे, तो वो अपने आप को थोड़ा दूर लेके जाएंगे ताकि रिपल्शन कम हो जाए। अब जो वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन थे तो वो लोन पेयर थे, तो अगर वो लोन पेयर है यानी उनका बॉन्ड नहीं बना है तो आपस में रिपल्शन बहुत करते रहेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी का बॉन्ड बन जाए तो वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा। ये वही फिलॉसफी है हिंदुस्तान में सालों से कहते आ रहे थे लोग, अगर चार भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, चारों की शादी करा दो, वो लोन पेयर थे बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा। VSEPR में लगभग वैसी फिलॉसफी है, भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो लोन पेयर थे, पास पास थे क्योंकि उसी शेल में थे, थोड़ा बॉन्ड बनाएंगे दूर जाएंगे, तब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम हो जाएगा। अब इसने ही बॉन्ड बनाया ये भी दूर हो गया, इसने बॉन्ड बनाया ये भी दूर हो गया, तो बॉन्ड पेयर के बीच में दूरी सबसे ज्यादा हो गई तो रिपल्शन सबसे कम हो गया। क्लियर है दोस्तों, इसी बात के बारे में जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए जरा समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। आइए दोस्तों, तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे ज्यादा रिपल्शन हम देखते हैं कि होता है लोन पेयर और लोन पेयर, क्योंकि भैया डिस्टेंस सबसे कम होता है। फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये आपका रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। BeCl2 सबसे पहले, जैसा हाइब्रिडाइजेशन में आप सोच रहे थे, यहां पर भी आप लगभग सेंट्रल एटम को सबसे पहले सोचो। तो सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास ये बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड पेयर ऐसे और एक बॉन्ड पेयर ऐसे, ये Cl और ये Cl। अब बच्चों दो बॉन्ड पेयर हैं, इन दोनों बॉन्ड पेयर को दूर दूर कर दिया है। अब दूर दूर कर दिया है इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप चाहते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए। मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि भाई अब उनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो बॉन्ड पेयर है और इन दोनों बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाना है, तो सबसे बढ़िया है कि आपको लीनियर ज्योमेट्री बनाना है। लीनियर हो गया ना, और 180 का एंगल हो गया, और 180 डिग्री का एंगल ले गए। अगला ले लो भैया एग्जांपल BF3। अब कॉन्सेप्ट क्या हो, बी में कितने थे बेटा, तीन बॉन्ड थे, तो हमने तीन बॉन्ड बना लिए। अब तीन को किस तरह रखें, तीन बॉन्ड पेयर को किस तरह रखा जाए कि उनका रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 120 के एंगल पे ले लिया। इसे कह देते हैं ट्रायगोनल
प्लेनर। अब ये ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है 120 का एंगल हो गया तीन होते के साथ। अब चार हुआ तो उससे कहा गया कि भैया आप एक काम करो, आप भी क्या करोगे, चार वाले के साथ में ऑप्शन था कि वो एक रेक्टेंगल टाइप चीज बना ले, और वो बनाएगा तो एंगल 90 का हो जाएगा। उसने कहा मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूं, एक तो ऊपर, दो नीचे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ऐसा 3D स्ट्रक्चर ले लेता हूं। CH4 के बारे में आप ये जानते हैं कि वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। यहां पर एंगल जो होता है ना बच्चों 109 डिग्री का हो जाता है, और अगर आप रेक्टेंगल बनाते तो 90 का रहता, उसने का एंगल ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और यहां पर हो गया टेट्राहेड्रल, याद है ना ये एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल। अब आ जाओ PCl5 पांच है इसके सेंट्रल एटम में, पांचों का बॉन्ड बन गया, बहुत बढ़िया बात है जी। अब वो चाहेगा पांच में कैसे करूं, क्या पेंटागन बना दूं, यूएस वाले बुरा मान जाएंगे, पेंटागन नहीं बनाएंगे तो क्या करें, अरे बुरा तो नहीं मानेंगे, पेंटागन बनाने में पांच का हो जाएगा। अब वही चीज बेटा यहाँ पर 360 को 5 से डिवाइड करके देखो, अब 72 का एंगल आ गया, एंगल कम हो गया तो कुछ और करते हैं। उसने कहा ऐसा करो भाई, तीन के साथ तो ट्राइगोनल शेप में जाओ और दो के साथ लीनियर, तो दो प्लेन में आ जाओ, ऐसे प्लेन में और ऐसे प्लेन में। तो उसने ये बनाया, तरीका वही है, चाह रहे हो कि बॉन्ड एंगल बढ़ाओ, बॉन्ड एंगल बढ़ा होगा तो रिपल्शन कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो भैया दो थे तो लीनियर बना लिया, तीन थे ट्राइगोनल प्लानर, चार हुए तो उसने कहा भाई मैं रेक्टेंगल नहीं जा रहा, मैं बना लेता हूँ टेट्राहेड्रल। पांच हुए तो उसने कहा ठीक है डबल में शिफ्ट हो जाता हूँ, एक ट्राइगोनल और ऊपर नीचे लीनियर। अब यहां पर एंगल देखो, ये तो 120 है, इसके साथ ये 90 है, और पूरा लो तो 180 है, तो यहाँ पर 120 डिग्री भी दिख रहा है, 90 भी दिख रहा है और 180 भी दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों बड़े कमाल की, यहाँ अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये एक ऐसा ऊपर से भी पिरामिड जैसा और नीचे से भी पिरामिड जैसा, तो अब ये क्या हुआ, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब आ जाओ SF6, अब सल्फर हो गया सेंट्रल एटम, इसमें हो गए छह बन गए बॉन्ड, छह हैं हमारे पास बॉन्ड पेयर, क्या करें, डुअल प्लेन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, छह से डिवाइड करूंगा तो 60 का एंगल हो जाएगा, उसने वो नहीं कर रहा, मैं हेक्सागन नहीं बना रहा। उसने कहा अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले में ऐसे और फिर ऊपर नीचे। अब सबने यही मेथड पकड़ लिया, तो ध्यान रखना बच्चों जैसे ही पांच बॉन्ड पेयर हुए यानी पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो वहां से कहानी ऐसे हो जाएगी, डुअलिटी में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे का प्लेन और ऐसा एक प्लेन हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद IF7 आयोडीन में अब मजबूरी है बेचारे के पास, पेंटागन बनाएगा इधर आई और ऊपर नीचे। यहां एक चीज समझना, यहां पर सारे एंगल 90 के थे और ऐसे लूंगा लीनियर वाला तो 180 था, इस वाली को बोलोगे आप ऑक्टाहेड्रल, पहले भी समझाया था मैंने ऑक्टाहेड्रल क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन में हम बता रहे थे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से, यहां हम समझा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। तो हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में ये फर्क है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, VSEPR इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, सात हुआ था ये बना, तो ये वाला 72 और ये 90 और 180 है ना, तो 72 90 180, और ये पेंटागन बना ऊपर का पिरामिड नीचे का पिरामिड, तो ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिड। ठीक है दोस्तों, अब लोन पे क्या इंपैक्ट होता है ये समझेंगे, बट वो समझेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में। आज हमने VSEPR किस तरीके से बात करता है, क्या फर्क पड़ता है,
इलेक्ट्रॉन पेयर के ओवरलैपिंग से लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आज के सेशन में हमने ये समझाया है, अगले ही सेशन में हम बता देंगे लोन पेयर का भी इम्पैक्ट क्या है बॉन्ड पेयर के साथ। क्वेश्चंस भी हम एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रॉब्लम होंगे उनको यहाँ लेंगे। तो फिर वही चीज, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।